और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासी हमला बोला है। कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के चलते कांग्रेस खत्म हो रही है। कहा जिस दिन कांग्रेस हारेगी उस दिन सिद्धू भाग जाएंगे। सिद्धू रोज पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पार्टी को ब्लैकमेल करने का आरोप यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाया है सुखबीर बादल, जो कि शिरोमणि अकाली दल के नेता है। लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। जब से चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाया गया है तब से ही सिद्धू खेमा जो है उसमें उसके अंदर भीतर नाराजगी देखने को मिल रही है। यहां तक कि सिद्धू की जो पत्नी है, धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि यहां पर मिसगाइड किया गया है राहुल गांधी को। और इसी के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को गैर जिम्मेदार व्यक्ति बताया। और यहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने अब नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के चलते कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस के खत्म होने का आरोप लगाया और कहा कि जिस दिन कांग्रेस हारेगी उस दिन सिद्धू भाग जाएंगे। सिद्धू रोज पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगले दिनों तुम देखोगे बहुत वड्डे कांग्रेस लीडरशिप छड़ रही है। क्यों छड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस रही नहीं हो। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाया प्रधान, की बैकग्राउंड है कांग्रेस का? मैं लगता जिन्ने दल उन्हें बदले है जे ओ जे प्रधान ना हो। हरीश चौधरी एक मंत्री सी, रास्ता छड़ के आ गया क्योंकि सोचा कि इत्थे पंजाब ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। सियासी घमासान पंजाब में कांग्रेस के भीतर थमता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसी को लेकर निशाना भी अब अन्य पार्टियों की ओर से साधा जा रहा है, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब खुद की उन्होंने पार्टी बना ली लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस में ही थे। उन्होंने साफ कहा कि सिद्धू एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है और यहां पर शिरोमणि अकाली दल के जो नेता है सुखबीर बादल, उन्होंने भी नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के चलते कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। वो हर रोज पार्टी को कांग्रेस ब्लैकमेल करते हैं और कहा कि जिस दिन कांग्रेस हारेगी सिद्धू भाग जाएंगे। साथ साथ सिद्धू का भी बयान इसको लेकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन सिद्धू का वजूद खत्म होगा उस दिन पंजाब का वजूद खत्म हो जाएगा। पंजाब को लेकर अपनी प्रतिक्रिया वो लगातार देते आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने एक नाराजगी जरूर है जब से सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया है चन्नी को। अगले दिनों तुम देखोगे बहुत वड्डे कांग्रेस लीडरशिप छड़ रही है। क्यों छड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस रही नहीं हो। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाया प्रधान, की बैकग्राउंड है कांग्रेस का? मैं लगता जिन्ने दल उन्हें बदले है जे ओ जे प्रधान ना हो। हरीश चौधरी एक मंत्री सी, रास्ता छड़ के आ गया क्योंकि सोचा कि इत्थे पंजाब ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। और पंजाब में कांग्रेस की कला थमने का नाम नहीं ले रही है। चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद सिद्धू खेमा नाराज नजर आ रहा है। कल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने चन्नी पर हमला करते हुए ये बयान दिया था कि सिद्धू चन्नी से बेहतर हैं और राहुल गांधी को किसी ने मिसगाइड किया है। इस बयान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। कैप्टन ने सिद्धू को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बताया, आदमी बताया और इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी घेरा। चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताया गया, गरीब के साथ कनेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है और ज्यादा बेटर कनेक्ट करेगा नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा? हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। उसका घर देख लो, उसका पैसा देख लो, उसके रिटर्न देख लो, उसके पास हमारे से ज्यादा पैसे हैं। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू बेटर चॉइस थे? यस। चाहे सिद्धू है या चन्नी है, वो पंजाब नहीं, बहुत दोनों बड़े माड़े जाएंगे मेरे से। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बहस के बीच एक बार फिर खुद को पंजाब की अस्मिता से जोड़ दिया और खुद को पंजाब के लिए लड़ने वाला ईमानदार सिपह सलार बताया। कि नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदारी के नाल लड़े थोड़े लिए, ते जे नवजोत सिंह सिद्धू का वजूद मुकया ते पंजाब नाल मुकू कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी,
मुड़के पंजाब लई लड़न लई नहीं आना। फिर ना कहियो कि किसे बंदे ने पंजाब दे लई लड़ाई नहीं सी लड़ी।